गुजरात में आपका अध्यक्ष बनना है तो मोदी को गाली दो, मोदी को हराना है तो मोदी की मां को गाली दो, सरकार बनानी है तो बच्चे की कसम खाओ, एलजी से लड़ना है तो पत्नी को गाली दो, राम मंदिर को बनने से रोकना है तो नानी की कसम खाओ, और गुजरात को तोड़ना है तो हिंदू धर्म को गाली दो। भारतीय राजनीति को केजरीवाल एंड कंपनी ने जितना नुकसान पहुंचाया है उतना आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं पहुंचाया है। और हद तो ये है कि अब इन लोगों ने प्रधानमंत्री की माताजी को, जो 100 साल की हैं, उनको भी गालियां देना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में केजरीवाल के उस योगदान की चर्चा होगी जिसे उनके नेताओं ने ग्रहण किया है और समाज को सौंप रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वाल। आपने भारतीय राजनीति का सबसे विकृत चेहरा कई बार देखा होगा, कई बार भाषा की मर्यादा टूटते हुए देखी होगी, लेकिन इस बार मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे केजरीवाल राजनीति का सबसे घिनौना चेहरा बनकर आए हैं। जो गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष है ना इनके, गोपाल इटालिया, उनका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गोपाल इटालिया मोदी को तो गाली दे ही रहे हैं, लेकिन वो इस बार प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दे रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आप पहले ये बयान सुनिए और ये सोचिए कि केजरीवाल ने किस नेता को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी है, और ये बयान सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप सुनिए। हीराबावी ने पाछा नाटको करे, आपने बोलता शर्म आवे एटली मोटी उम्र ना व्यक्ति विषय, पण ए लोको नथी शर्माता। 70 वर्ष नो मोदी थवा आयो, हीराबा पोते 100 पहुंचवा आवशे तोय मारा बेटा बे मा एक नाटको बन करता नथी। ऐसा नहीं है कि जो 33 साल के गोपाल इटालिया हैं उनको पता नहीं है कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, वो कितनी उम्र के हैं। उन्हें खुद पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 70 साल है और उनकी माता जी की 100 साल है, लेकिन इसके बाद भी इटालिया को गाली देते हुए ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आई। एक छोटा हिस्सा वही वाला उम्र का आप सुनिए, आपको तब सारी चीजें समझ में आएंगी। सुनिए। 70 वर्ष नो मोदी थवा आयो, हीराबा पोते 100 पहुंचवा आवशे तोय मारा बेटा बे मा एक नाटको बन करता नथी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गुजराती, भला एक गुजराती को ही जो देश का प्रधानमंत्री है उसे कैसे गाली दे सकता है। एक गुजराती अपने ही प्रदेश की 100 साल की बुजुर्ग महिला को कैसे गाली दे सकता है। लेकिन सच मानिए तो ये केजरीवाल जी की ट्रेनिंग का नतीजा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले खुद केजरीवाल जी बच्चों पर, पत्नी पर, नानी पर और बाप तक पर उतर आए हैं। मैं एक एक करके वो सारे बयान आपको सुनाता हूँ। पहले आप सुनिए कि केजरीवाल जी ने किस प्रकार से बच्चों की कसम खाई थी, एक प्रकार से राजनीति में बच्चों को घसीट लिया था। आप उनका ये बयान सुनिए। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। लेकिन आपको पता है ना कि बच्चों की कसम खाने के बाद केजरीवाल ने क्या किया, उसी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, सरकार बना ली और बच्चों की कसम खाई थी। ये है केजरीवाल की हालत। और इसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने राजनीति में अपनी पत्नी को भी घसीट लिया और एलजी से लड़ने के लिए पत्नी को बीच में ले आए। अब आप कहेंगे कैसे, आप ये ट्वीट देखिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। देखिए एलजी साहब से लड़ने के लिए क्या लिखे हैं। एलजी साहब मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। देख रहे हैं ना, ये है हकीकत केजरीवाल की। बच्चों को घसीटा, झूठ बोल दिया, उसके बाद अपनी पत्नी को भी घसीट लिया। और इसके बाद भी केजरीवाल रुके नहीं। ऐसा नहीं कि केजरीवाल वहीं चुप हो गए, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस हद तक उतर आए हैं। अब आप देखिए कि केजरीवाल कैसे अधिकारियों से बात करते हुए बाप पर उतर आते हैं। ये कौन सी शालीनता है, एक मुख्यमंत्री की भाषा है। आप सुनिए
क्या केजरीवाल कहते हैं। इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है, इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है। देख लिया ना आपने, जबान ऐसी है बाप पर उतर आए। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जी हर बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। राम मंदिर का निर्माण ना हो सके इसके लिए जानते हैं क्या किया, अपनी नानी को ही घसीट लिया। आप बयान सुनिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि किस प्रकार से ये व्यक्ति राजनीति के लिए किस हद तक जा सकता है। सुन लीजिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से जब राम मंदिर का निर्माण होने लगा तो केजरीवाल रुके नहीं, सीधे राम मंदिर पहुंच गए अयोध्या में। और आप समझिए कि अपनी नानी को भी नहीं बख्शा। भाई अगर कोई आरोप लगा रहा है इस तरीके का तो वजह है ना, आप नानी का नाम लेकर के ऐसी घटिया बात कह रहे हैं और जब राम मंदिर का निर्माण उसी जगह पे हो रहा है तो आप दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं तो लोग आपको कहेंगे ही ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गोपाल इटालिया जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है वो आज जो कह रहा है ना उसके पीछे केजरीवाल जी की ट्रेनिंग है। अब गुरु केजरीवाल हैं तो चेला भला क्यों पीछे रहे। वो किस प्रकार से गुरु को टक्कर दे रहा है मैंने दिखाया ना आपको, प्रधानमंत्री मोदी की मां पर उतर आए। और मैं अब आपको दिखाता हूं कि इटालिया ने किस प्रकार से मंदिर को गाली दी, सनातन संस्कृति का अपमान किया और ये कहा कि मंदिर में जो कथाओं को सुनने के लिए महिलाएं जाती हैं वो नाचने वाली होती है। आप देखिए क्या कह रहे हैं ये जनाब, आप सुनिए। मारी तमारी माता बहनों ने पण रिक्वेस्ट करवी जोईए कि हे मारी मावडियो, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरियो, कथाओं मां के मंदिरों मां तमारू कहीं वळवानू छे नहीं, ए शोषण ना घर छे। जो तमारे तमारो अधिकार जोतो होय, आ देश ऊपर तमारे शासन करवू होय, समान दरज्जो जोतो होय, तो कथाओं मां जे नाचवाना बदले मारी बहनों, मारी मावडियो आ वाचो। सुन लीजिए, ये सोच है इनकी, जो अभी राम मंदिर के लिए केजरीवाल जी कर रहे थे वही काम ये इटालिया कर रहे हैं। एक ही है, गुरु चेला सब एक जैसा है। और इसके बाद ये आदमी प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहता है। जी हाँ, आप सुन लीजिए, नीच किस्म के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी। और गोपाल इटालिया ने एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, बार बार कहा और जनता जनार्दन के लिए भी गाली का उपयोग किया। आप सोचेंगे ये नेता है, कैसा नेता है भाई, मतलब मोदी जी को जो सपोर्ट कर दे उसको गाली दे देंगे। सुनिए आप, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को सी बना रहा हूँ, सी फॉर समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को सी बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को कैसे सी बनाता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है। जाहिर है केजरीवाल के सबसे बड़े साथी की जब गाली गलौज सामने आई, इसका वीडियो जब सामने आया तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसे तलब किया, वो पूछताछ के लिए भी पहुंचा लेकिन अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंच गया। और जानते हैं क्यों, महिला आयोग को डराने के लिए। आप सोचिए, आप ये देखिए रिपोर्ट, समझ में आ जाएगा। और इस बात की जानकारी जो है खुद राष्ट्रीय महिला आयोग ने दी है, आप ये भी रिपोर्ट देख लीजिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने भी ट्वीट किया और बताया कि किस प्रकार से मेरे ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें डराने की कोशिश की गई, कानून व्यवस्था को भड़काने और लोगों को भी भड़काने की कोशिश की गई। आप एक छोटा सा बयान का हिस्सा सुन लीजिए। यहाँ आकर भी ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिससे लोग इंस्टिगेट हों और ज्यादा लोग पहुंचे और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में भी लिया और पूछताछ की, कुछ घंटे पूछताछ हुई। लेकिन केजरीवाल राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं
कि उन्होंने माँ को गाली देने वाले शख्स जो प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहा है उसका समर्थन शुरू कर दिया। आप देखिए रिपोर्ट, समर्थन कर रहा है। ये कौन सी राजनीति है जहाँ आप सार्वजनिक रूप से इस बात की भी आलोचना नहीं करते हैं कि वो गाली गलौज दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को दे रहा है, प्रधानमंत्री की माँ को दे रहा है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने इसे एक नया टर्न दे दिया। बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, घाघ हैं, उन्होंने इसे टर्न देते हुए ये कहा, जैसा वो बांटो और राज करो की नीति करते हैं ना, कि पटेल समाज को भड़काने की कोशिश शुरू की। आप देखिए इनका ट्वीट, गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी से पूरे गुजरात के पटेल समाज में भारी रोष है, ये कहा। और केजरीवाल की ये आदत है, इससे पहले भी कर चुके हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। जब सत्येंद्र जैन की को गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार के मामले में, तो जानते हैं ये पूरी पार्टी और केजरीवाल जैन समाज को भड़काने में लग गए। अरे भाई, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन देखिए, आप बयान सुनिए क्या कहा जा रहा था उस समय, तब आपको समझ में आएगा। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके, उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और सिर्फ जैन को ही भड़काने की कोशिश नहीं की, ये जनाब चुनाव में अपनी जाति भी बताते फिरेंगे, ये बताएंगे और बनिया जो कम्युनिटी है उसे भड़काने की भी कोशिश करेंगे। आप रिपोर्ट देखिए, केजरीवाल ने बताई अपनी जाति, मैं बनिया हूँ, ये सब कहेंगे। अभी सब शुरू हो जाएगा, देखिएगा जैसे चुनाव नज़दीक आएगा। और फिर अग्रवाल समाज को लेकर के ये कुछ नया फितूर करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे। एक पुराना बयान सुनाता हूँ, सब चुनाव का ही मामला है, आप सुनिए क्या कहते हैं ये। माफी मांगे अग्रवाल समाज से, अग्रवाल समाज वाले चोर में चढ़ाते हैं। और फिर आखिर में केजरीवाल जी गुजरात ही नहीं पूरे देश को चुनौती देते हुए बड़ी बेशर्मी से एक बात कहते हैं, और आप ये सुन लेंगे ना, फिर आप के लिए सारी चीज़ें बेकार हैं। वो आप ये समझ जाएंगे कि वो राजनीति के लिए, वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये एक पुराना बयान है, सुन लीजिए। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे गुप्ते ईमानदार है। साथियों, केजरीवाल को जब भी इस देश के लोग देखते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को आंदोलन शब्द से घिन होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अन्ना आंदोलन से जो चीज़ें उभरी, जो लोगों का आक्रोश पैदा हुआ, और उसके बाद जिस पार्टी ने जन्म लिया और जिस केजरीवाल ने राजनीति करनी शुरू कर दी, उससे इस देश को फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और ये लगातार हो रहा है। और आने वाले समय में केजरीवाल इस देश का कितना नुकसान कर जाएंगे ये भी किसी को पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।